पाकिस्तान में तालिबानियों ने शुक्रवार को अफगान सीमा पर 10 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात में 7 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के पीछे तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का हाथ है। हमलावरों ने एक पुलिस चेक पोस्ट पर मौजूदा पुलिसकर्मियों पर निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान में आतंकी खतरे की गंभीरता फिर से उजागर हुई है। हमला उस समय किया गया जब पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटियों पर तैनात थे। TTP पाकिस्तान में सरकारी विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है, उसे हमले की जिम्मेदारी ली है। वारदात खैबर पख्तूनख्वा के हेंगू जिले के स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ, जहां हथियारबंद आतंकवादियों ने अचानक हमला कर पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने पुलिस चेक पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके चलते मौके पर ही 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हमले में 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान देश में सक्रिय एक कट्टरपंथी संगठन है, जो अफगानिस्तान में तालिबान की विचारधारा से प्रेरित होकर सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम चलाता है। इस संगठन का मकसद पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना है और इसके लिए वह लगातार हिंसक हमलों का सहारा लेते आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में हाल के वर्षों में TTP के हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसके एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मारे गए पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ऐसी घटना रोकने के लिए सुरक्षा बलों के क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की योजना बनाई है। TTP द्वारा लगातार हो रहे हमलों से पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर सवाल अब उठने लगे हैं। इन घटनाओं से न केवल सुरक्षा बलों का मनोबल प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जनता में भी भय का माहौल बनता जा रहा है। पाकिस्तान में इस तरह के बढ़ते आतंकी हमले देश के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान सरकार और सेना इस पर कठोर कदम नहीं उठाती है तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।